लोअर सुबनसिरी न सिर्फ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है बल्कि यहाँ की जीरो वैली जो कि जिले का मुख्यालय भी है लोगों को बरबस अपनी ओर खींच लेती है। धान के खेत तो पूरे राज्य में हैं लेकिन यहाँ के धान के खेत इसलिए भी खास हैं जहाँ पहाड़ी झरनों से लगातार पानी मिलता रहता है। किसानों ने अपनी इस प्राकृतिक संपदा का बहुत समझदारी से इस्तेमाल किया है। सही मायने में किसानों की आय कैसे बढ़े इसके गुर भी वो सिखाते हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस जो लॉकडाउन है तो मैं अपने परिवार के साथ खेत पर धान बो रहा हूँ। इधर पे ये भी देखो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए गवर्नमेंट का बोला वाला को हम लोग मानता है, वो अच्छा से बोला है बोल के मानता है, तभी भी क्या करेगा, वो धान तो लगाना पड़ता है, थोड़ा दूर दूर से लेकर लगाना पड़ता है और हम लोग नहीं लगाने से भी खाने पीने के नहीं मिलेगा, बच्चा लोग नहीं मिलेगा, इसलिए हम धान लगा रहे हैं सब मिल के। और यहाँ पर जब धान हम यहाँ पर जो मेरे हाथ पे है लगाने के बाद पे 2 दिन के बाद फिर हम यहाँ पर मछली डालेंगे, उसके बाद जो हमारे जीरो वैली की जो इनकम है तो यहाँ पर मछली डालने के बाद करीब 3.5 महीने लगता है, इतने इतने बड़े हो जाते हैं तो हम उसको बाज़ार में ले जाकर हम बिक्री करते हैं। जब धान की फसलें बड़ी हो रही होंगी वहीं क्यारियों में मछली उत्पादन शुरू हो चुका होगा। जीरो वैली के किसानों का खेती का यह तरीका न सिर्फ उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है बल्कि बाजार में मछलियों की बिक्री से उनकी आमदनी भी होती है। जीरो वैली पर्यटन का भी अवसर देती है, हालांकि कोविड-19 के कारण शायद इस बार पर्यटन पर भी असर पड़े, लेकिन जीरो के किसान मानते हैं कि जल्द ही फिर से सब कुछ सामान्य हो जाएगा और वैली अपने पुराने दिनों में लौट सकेगी। जीरो से टीटी राजू के साथ संजय प्रताप सिंह, DD News, ईटानगर।